नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू एंडलेंस इन अर्ली चाइल्ड हुड अन दर्स ऑफ ट्रेंड्स एंड ईशूज इन अर्ली चाइल्ड हुडलेंस इज द बिगेस्ट इशू विच हैज़ बिन रैमपे इन द वर्ल्ड अब हम सब लोग हर तरह से देखते हैं कि आने वाले दौर में वैन की मसरूफियत की वजह से ये मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं तो यूनिसेफ़ जो कि एक वर्ल्ड ओवर इंस्टीट्यूट है इदारा है ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत सी ऐसी इंटेंशंस और मूवमेंट्स जो हैं वो शुरू की हैं कि वायलेंस के, के ख़िलाफ़ अवेयरनेस और कैंपेन जो है वो रेज की जाए और ख्वा वो डवेल्प कंट्रीज़ हों खवलपिड कंट्रीज हों वाल को और इस को इस बात का कायल किया जाए कि बच्चों के जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ सो वो बच्चों के हकूक़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं योनिसफ डिफाइन्स अर्ली चाइल्ड हुड डिवेलपमेंट एज अ चाइल्ड राइट टू डिवेलप टू द मैक्म एक्सटेंट पॉसिबल एंड द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अटैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिकुएट फॉर द चाइल्ड फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल मॉरल एंड सोशल डिवेलपमेंट तो यानी एक तो ये कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल जो है उस तक वो अपनी सलाहियतों को बरूएकार लेके आए और दूसरा ये कि उनकी जिस तरह की भी डेवलपमेंट है खा वो फ़िज़िकल है मेंटल है सोशल है मॉरल है ये सब उनका हक है कि वो ये सारी डेवलपमेंट जो है वो उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल हो अच्छे तरीके से तो अगर नहीं होती या नग्लेक्ट की जाती है या उनके राइट्स जो हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता तो इसी को हम वायोलेशन कहते हैं सो फॉर दिस परपज़ वी नीड टू इंश्योर अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर यंग चिल्ड्रन तो सबसे पहला तो हमारा जो क्लेम uh, है या हमारी जो कैम्पेन है वो ये कहती है कि बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए क्या हाँ वो उनका घर है क्या उनका स्कूल है या उनका कोई पार्क या आउटसाइड एरिया कहीं भी वो हो, वो महफूज हो किसी नुकसान कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके देन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सारी वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हमारे बच्चों को पेश आ सकती हैं पॉवर्टी है इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है एजुकेशन की बात हुई है उनकी सर्वाइवल की बात हुई है दुनिया के अंदर जितने रिसोर्स हैं जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं या सोचे समझे बगैर कि हमारे आने वाली नस्लों को चाहिए अब यूनिसेफ ये चाहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अबाइड बाय करते हुए इन सारे रिसोर्स की अपने बच्चों के लिए हिफाजत करें इज ये भी उनके खिलाफ वायलेंस की एक शक्ल है सो प्रोवाइड एन एक्सेलेंट अपॉरचुनिटी टू गेन मोमेंटम फॉर एन अप्रोच तो इसलिए यूनिसेफ ये चाहता है कि पूरी दुनिया वेदर दे आर डेवलपमेंट कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको शुरू करनी चाहिए ऐसी कंपेन्स और ऐसी पॉलिसीज़ इतने मोमेंटम के साथ कोर्स के साथ ताकि हम ये सारे मकासद जो हैं वो अचीव कर सकें और बच्चों की जो हिफाजत है वो लाजमी बनाई जाए इसको वो अप्रोच कहते हैं यानी जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है क्या करना है कैसे करना है इसको वो अप्रोच कहते हैं सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस सबसे बड़ी बात तो ये कि वायलेंस से बच्चों को बचाया जाए मल्टी डायमेंशनल पावर्टी फ्रेमवर्क एंड मल्टीपल ओवरलैपिंग डेप्रिफेशन एनालिसिस जैसे मैं अर्ज कर रही हूँ कि ये मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं जब बच्चों के बाद वायलेंस की बात की जाती है उनके बारे में तो हम देखते हैं कि कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है वो उनके घर से भी पहुंच सकता है स्कूल से भी पहुंच सकता है बाहर से भी पहुंच सकता है और नेगलेक्ट से भी पहुंच सकता है और डायरेक्ट वायलेंस से भी पहुंच सकता है सो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कोई अकेला फैक्टर ऐसा नहीं है जो उनकी जिंदगी पे असरअंदाज हो लेकिन कोई भी एक फैक्टर उनकी आने वाली जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर सकता है इसलिए हम जब इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उनको नुकसान पहुंच सकता है तो ये और उसके खिलाफ प्लानिंग करेंगे तो हम कोई एक बेहतर फ्यूचर के लिए अपने बच्चों की हिफाजत कर सकेंगे